सिर्फ मालीज गवर्नमेंट ने कहा है कि 15 मार्च तक इंडियन आर्मी ने वहां से निकल जाना चाहिए। इसके पहले इंडियन सिने एसोसिएशन ने भी कहा था कि हम बॉयकॉट करेंगे। कर लीजिए बॉयकॉट। तो हाउ डू यू सी? अरे मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई का मुद्दा खत्म हो गया है, तो चुनाव से पहले ये हमारी भाजपा की सरकार मालदीव के साथ झगड़ा करना चाहती है, मालदीव के साथ जिसके पास खुद की आर्मी नहीं है, पुलिस फोर्स नहीं है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी देश को दिखा रहे हैं कि हम मालदीव के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मालदीव के साथ युद्ध कर रहे हैं, जिस देश को आर्मी नहीं है उनके साथ संघर्ष करेंगे और यहां चुनाव में वोट मांगेंगे। अरे मालदीव में चाइना घुस गया है और म्यांमार और चाइना के पूरे उग्रवादी मणिपुर में घुस गए हैं, आप उनको पहले बाहर निकालिए। सर अयोध्या में जो मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है वहां पे अयोध्या कांग्रेस जो पार्टी है वहां की वो जाएगी, बट जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली में वो नहीं जाने वाली है, कैसे देखते हैं? क्या देखना उसमें? राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अगर यूपी कांग्रेस जाएगी, अगर जाना चाहती है तो जाना चाहिए, निमंत्रण है। राम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राम सभी के है ना, सबको जाना चाहिए। जिनको बुलाया है उसी ने भी जाना चाहिए और जिनको नहीं बुलाया है वो लोगों ने भी जाना चाहिए। ये कौन देने वाला है इन्विटेशन राम मंदिर का? ये कौन है? हाँ ये क्या बीजेपी का कार्यालय बनाया है क्या अयोध्या में? ये बीजेपी कार्यालय है कि हमारे पार्टी के ऑफिस में किसने आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ ये राम मंदिर है, ये सबका है राम और सबको जाना चाहिए। ताजमहल कौन कौन हे पहा, भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला? मंदिर वही बनाएंगे, जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है, वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है, वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है, मंदिर बना है वहां से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए। सर न्याय यात्रा शुरू हो गई है और अलाई पार्टीज को भी बुलाया गया था। किसको? अलाई पार्टी। जाएंगे ना हम? हम जाएंगे ना, हम जाएंगे ना मंदिर में ना, मंदिर के बाद न्याय यात्रा में हम सब जुड़ जाएंगे। सर और प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ी कल जो यात्रा शुरू हुई उसमें, बीजेपी कह रही है कि ये स्प्लिट है। ये भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है? अपने आडवाणी साहब को बुलाया है क्या अयोध्या में? हमने पूछा? प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेता है, मुझे लगता है यात्रा बहुत लंबी है, बड़ी है, हम सब लोग किसी ना किसी मोड़ पर उस यात्रा में शामिल होंगे।